हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों, आपको अगर इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का सिम ही होना चाहिए। आप किसी भी अन्य सिम से भी जो है इसमें अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो आपको एक ATM कार्ड दिया जाएगा, डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो आप किसी भी ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए जो दिया जाता है। आपको सिंपली करना है कि आप इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एयरटेल थैंक्स नाम का एक ऐप है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ परमिशन मांगा, तो आपको सिंपली परमिशन दे देना, अलाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जिससे भी आपको जिसमें वॉलेट आपको एक्टिवेट करना था। आपको सिंपली वो मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे मैनुअली करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको लोडिंग मिलेगा। फिर दोस्तों आपसे लोकेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का जो होम स्क्रीन होता है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको एक मैनेज का ऑप्शन दिखाई होगा, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट वॉलेट का। तो मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए पहले आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो वॉलेट होता है आपको उसको एक्टिवेट करना होगा, तभी जो इसमें आपका अकाउंट जो है ओपन होगा। तो आप सबसे पहले वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए गेट वॉलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना, जो भी आपके ID पे हो, जो भी ID आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको अपना ID के हिसाब से यहाँ पे अपना जो नेम डाल देना है। यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एक ईमेल ID आपने जो भी दिया होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होगा। जो यहाँ पे आपको पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको जो है ID जो जो भी आपने ID सेलेक्ट किया है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और उसी फिर उस ID का नंबर जो होता है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होगा। फिर आपको सिंपली करना है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा एक MPIN बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों MPIN जब भी आप इस ऐप में लॉगिन होइएगा या इस वॉलेट में तो आपको यहाँ पे MPIN की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे MPIN आपको क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे एक MPIN डाल देना है। फिर वो कंफर्म करने के लिए दोबारा वही MPIN यहाँ पे एंटर कर देना है और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके उस मोबाइल नंबर पे फिर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पे फिल कर देना, नहीं तो यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका वॉलेट जो है सक्सेसफुली इसमें जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इस वॉलेट की लिमिट जो होती है 9,000 रुपये होती है, आप इसमें 9,000 रुपये तक रख सकते हैं और इससे आप आसानी से रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग या टिकट बुकिंग वगैरह में आप उस पैसों को यूज कर सकते हैं। तो आपको फिर सिंपली करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों हम फिर यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आपको इसमें अकाउंट को ओपन करने के लिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड अकाउंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको अपग्रेड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जाएगा इस अकाउंट के बारे में कि आपका कौन सा अकाउंट जो है ओपन हो रहा है, इसकी फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना जो भी आपको मिलेगा यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपको इसको रीड कर लेना है और फिर नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा आपके आधार कार्ड नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। पर OTP दोस्तों आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर सेंड किया जाएगा, तो वो OTP फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके जो भी आधार कार्ड से जो सारी डिटेल्स जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पे सभी कुछ आपका नेम, फोटो वगैरह सभी कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा बहुत बेसिक सा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा, तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर देना, यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे आपको शादीशुदा है नहीं है यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको एक ईमेल ID एंटर कर देना है, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एनुअल इनकम जो भी आप करते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस के बारे में। तो आपको जो भी आपने ID दिया है आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, अगर आपका वो एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नो पे रहने देना है। और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे लोकेलिटी, हाउस नंबर और पिन कोड और यहाँ पे स्टेट या सिटी आपको सभी कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर देना है। तो मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर जो आपका ATM कार्ड जो होता है उसी एड्रेस पे आएगा। तो आपको यहाँ पे
ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस पे यहाँ पे मैं सभी कुछ मंगाना चाहता हूँ। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा, फिर आपको नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपको तीसरा स्टेप आ जाएगा नॉमिनी डिटेल्स को फिल करने के लिए। जब भी आप अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स को फिल करने के लिए कहा जाता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों जरूर कीजिएगा, क्यों ना, क्योंकि कोई भी हादसा हो जाता है आपको जो नॉमिनी होता है उन्हीं को जो है वो पैसा जो दिया जाता है। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी को ऐड कर लेना है। नॉमिनी को ऐड करने के लिए यहाँ पे नॉमिनी नेम सबसे पहले एंटर करना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और इस पे क्लिक करके नॉमिनी का जो भी आप रिलेशन में लगते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सभी कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोला जाएगा नॉमिनी का एड्रेस फिल करने के लिए। तो दोस्तों नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस जहाँ रहते हैं वहीं आपका नॉमिनी भी अगर आपका रहता है तो आपको यस पे क्लिक करना, तो दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर नहीं अलग अलग रहते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके जो नॉमिनी का एड्रेस है सभी कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। तो मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो यस वाले ऑप्शन पे ध्यान दूंगा, फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे फिर आपसे बोला जाएगा वीडियो केवाईसी के लिए। तो आपको सिंपली करना कि वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, पैन होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्ट जो है वो होना चाहिए, तभी जो आप यहाँ पे शेड्यूल करके आप जो आसानी से वीडियो केवाईसी करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शेड्यूल नाउ पे क्लिक कर देना है। शेड्यूल नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको उधर से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास सभी कुछ डॉक्यूमेंट, इंटरनेट वगैरह सभी कुछ आपके पास अवेलेबल है, सो है, तो आप जो यहाँ पे 8 बजे सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक जो है अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी में आपको जो भी सामने एजेंट होगा आपकी आपको देखेगा, फिर आपको जो भी साइन करा के देखेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है सभी कुछ यहाँ पे चेक करेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना। नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों इसमें आपको थोड़ा टाइम भी ले सकता है 8 से 10 मिनट का, क्योंकि वो किसी और एजेंट से मतलब किसी और कस्टमर से अगर बात कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको नाउ पे क्लिक करना, आपको घबराने के लिए 10 से 5 मिनट आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर सभी कुछ सही होता है तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अकाउंट को दोस्तों एक्टिवेट होते ही दोस्तों आपका जो यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर ही हो जाएगा। दोस्तों आप इसी प्रकार जो आसानी से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अपना 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए इतना।